नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएफए एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएफए एंड एक्सेप्टेंस बाय डीएफए। सो डीएफए इट इज़ ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए इज ऑल्सो फाइनाइट ऑटोमेटा, बट किस तरह का बिहेवियर है? डिटर्मिनिस्टिक। इट इज़ ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इट इज़ ऑल्सो फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई 5 tuples। बट बिहेवियर कैसा होगा? डिटर्मिनिस्टिक होगा। यहाँ पे क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट एंड सिग्मा इट इज फाइनाइट इनपुट सिंबल्स एंड डेल्टा इट इज ए ट्रांजिशन फंक्शन और इसका मैपिंग क्यू क्रॉस सिग्मा, दिस इंप्लाइज क्यू एंड क्यू नॉट it is initial state and q naught is also state, so it belongs to capital Q, and f it is a set of final state, so f it is a subset of capital Q. So DFA it is also finite automata deterministic. कैसे किसी मशीन को डिटर्मिनिस्टिक किया जा सकता है? देखिएगा, अगर किसी स्टेट पर हम कोई इनपुट अप्लाई करते हैं और आउटपुट में सिंगल स्टेट अगर आपको मिलता है, नेक्स्ट स्टेट यूनिक, नेक्स्ट स्टेट इज यूनिक सिंगल नेक्स्ट स्टेट, लाइक इट इज क्यू टू स्टेट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सिग्मा। इसका मीनिंग क्या है कि सिग्मा के पहला मीनिंग कि किसी स्टेट पर आपने इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट है वो सिंगल स्टेट है। दूसरा मीनिंग इसका यह है कि सिग्मा के हर एक एलिमेंट्स के लिए ये बात डिफाइंड होना चाहिए। पहली बात कि किसी स्टेट पर आपने इनपुट अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट इट इज यूनिक स्टेट, एंड सेकंड फॉर एवरी ए नॉट देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सिग्मा, सिग्मा के ऑल इनपुट सिंबल पे ये बात डिफाइंड होना चाहिए। देखिए, अगर किसी स्टेट पर आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेट एक ही स्टेट में आप मूव कर रहे हैं और ये बात सारे सिग्मा के हर एक मेंबर के लिए डिफाइंड है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई भी मशीन आपकी उसका बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा, उसके सारे मूव्स आपको पहले से पता है। आप देख सकते हैं ये मैंने एक ऑटोमेटा बनाया हुआ है। क्या ये डीएफए है? ये डीएफए हो जाएगा अगर हम एक ही स्टेट में मूव करें ऑल इनपुट के साथ और ऑल इनपुट डिफाइंड हो। चेक करिएगा, देखिएगा कैपिटल क्यू ए बी सी एंड सिग्मा इज स्मॉल ए बी। सो ए पर भी ए बी डिफाइंड होना चाहिए, बी पर भी ए कॉमा बी डिफाइंड होना चाहिए, सी पर भी ए बी डिफाइंड होना चाहिए और नेक्स्ट सिंगल स्टेट में मूव करना चाहिए। ए पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इज ए बी, बी इट इज ए सिंगल स्टेट, ए पर बी के साथ नेक्स्ट स्टेट इज सी, सो सी इज ऑल्सो सिंगल स्टेट, ए पर दोनों मूव्स डिफाइंड हैं। नाउ बी स्टेट, बी पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट सिंगल स्टेट दैट इज बी, और स्मॉल बी इनपुट के साथ भी नेक्स्ट स्टेट इट इज ए बी, बी पर भी दोनों मूव्स डिफाइंड हैं एंड सी पर भी दोनों मूव्स डिफाइंड हैं। तो ये जो मशीन है ये क्या है? डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्रांजिशन फंक्शन जो डेल्टा है क्यू क्रॉस सिग्मा, दिस इंप्लाइज क्यू, बाकी के टपल्स वही टपल्स हैं, इसका डेल्टा क्या है? क्यू क्रॉस सिग्मा, दिस इंप्लाइज क्यू। इसका मीनिंग यह है कि क्यू स्टेट्स आउटपुट क्या आना चाहिए? स्टेट्स। देखिएगा, ए स्टेट पर स्मॉल ए का मैपिंग, ए पर स्मॉल बी एंड बी पर स्मॉल ए एंड बी पर स्मॉल बी एंड सी पर स्मॉल ए एंड सी पर स्मॉल बी, ऑल स्टेट्स पर आपने ऑल मूव्स डिफाइन कर दिए एंड आउटपुट इट इज ए बी सी। सो ए पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट आप किस स्टेट में जा रहे हैं? इट इज़ बी, और बी के साथ नेक्स्ट स्टेट इज सी, और बी पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इज बी, बी के साथ दिस एंड सी अप्लाई किया, सी पर ए इनपुट अप्लाई के साथ सी एंड सी पर बी के साथ सी। देखिए, सारे मूव्स डिफाइन हैं और इसका मैपिंग क्या है? क्यू क्रॉस सिग्मा, दिस इंप्लाइज क्यू। ये
ये DFA क्या एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरह की लैंग्वेज को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, L वो सारी स्ट्रिंग्स जो स्टार्ट फ्रॉम A हो, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग A, A A, A B, A B A, वो ऑल इन्फाइनाइट स्ट्रिंग जिनकी स्टार्टिंग ए से हुई है वो सारी स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट हो रही हैं, और कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। यानी ये लैंग्वेज एल के लिए डिजाइन है डी एफ ए। माई डियर, अगर ये मूव्स मैं इससे हटा देता हूँ, रिमूव कर दिया, तो देखिएगा इस ए पर अब दोनों इनपुट डिफाइंड नहीं है। मैंने कहा था कि फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए बिलोंग्स टू सिग्मा सारे मूव्स डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइन नहीं है इस पर। बट स्टिल ये ऑटोमेटा क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी अभी यही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, बट नाउ इट इज़ नॉट DFA, अब ये DFA नहीं है। क्यों नहीं है DFA, चेक करिएगा ट्रांजिशन फंक्शन, C को रिमूव किया, नाउ रिमूव C फ्रॉम जब आप C को रिमूव कर देते हैं तो ए पर बी के साथ आप किस स्टेट में जा रहे हैं, डिफाइन नहीं है। इट इज ए डोमेन एंड हियर इट इज ए कोडोमेन, एंड वैलिड फंक्शन होने के लिए डोमेन के एवरी मेंबर की इमेज कोडोमेन में होना चाहिए, बट एक एलिमेंट डोमेन में ऐसा है जिसकी इमेज कोडोमेन में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वैलिड फंक्शन, सो इट इज नॉट अलाउड इन DFA, बिकॉज ऐसा करने से ये फंक्शन नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं डेड कॉन्फ़िगरेशन। डेड कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है कि किसी स्टेट पर आप कोई इनपुट अगर डिफाइन नहीं करते, इट इज़ कॉल्ड डेड कॉन्फ़िगरेशन। और डेड कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके सिस्टम में है तो ये DFA नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट वैलिड फंक्शन। सो डेड कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अलाउड इन DFA। टू रिमूव डेड कॉन्फ़िगरेशन आपको एक ट्रैप स्टेट बनाना पड़ेगा, इट इज़ ए ट्रैप स्टेट C, और B के साथ आप ये इनपुट अप्लाई कर दीजिए। सो ये ट्रैप स्टेट का इंपॉर्टेंस है कि आपको ट्रैप स्टेट इसलिए बनाना पड़ेगा। राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFA देर आर टू रिप्रेजेंटेशन, ट्रांजिशन ग्राफ एंड सेकेंड इज ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन ग्राफ ये बना हुआ है, इट इज ए ट्रांजिशन ग्राफ एंड सेकेंड ट्रांजिशन टेबल। इसी बात को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल स्टेट्स इसमें क्या है, ए बी सी, इनिशियल स्टेट को एरो लगा देते हैं, फाइनल स्टेट को सर्किल से, आइदर सर्किल और स्टार मार्क भी कर सकते हैं, एंड इनपुट सिंबल्स को आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिखिए, सो क्यू इट इज ए स्टेट, नेक्स्ट इट इज इनपुट सिंबल्स। चेक करिए ए स्टेट पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इट इज बी, एंड ए पर बी के साथ नेक्स्ट स्टेट इट इज सी, एंड बी पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इट इज बी, एंड बी के साथ नेक्स्ट स्टेट इज बी, एंड सी पर स्मॉल ए अप्लाई किया नेक्स्ट सी इट इज सी। तो DFA को अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन टेबल है, ये ट्रांजिशन ग्राफ है। बताइएगा क्या ये DFA है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, इट इज़ नॉट DFA बिकॉज इट इज़ ए डेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर यह डेस्क खाली हो तो ये DFA नहीं है, इट इज़ नॉट DFA। सो DFA के लिए आपको डेड कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउ, तो इसके लिए आपको एक ट्रैप स्टेट मेंशन करना पड़ेगा, सो इट इज़ ए ट्रैप और डेड स्टेट, सो बी के साथ इट इज सी एंड सी पर सी के साथ सी, सो इट इज़ ए DFA। Now acceptance by DFA, a DFA M
a DFA M, a string X is accepted by DFA M if देखिएगा कोई डी एफ ए एम है, इससे कोई स्ट्रिंग एक्स कब एक्सेप्ट होगी, जब आपने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, वो इनपुट अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मेनी टाइम्स आपने ट्रांजिशन फंक्शंस अप्लाई किया और फाइनली स्टेट क्यू आई आपको मिलता है इनपुट रीड होने के बाद, और क्यू आई अगर फाइनल स्टेट है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। तो वो सारी स्ट्रिंग्स जो इस लैंग्वेज में बिलोंग करेंगी वो स्ट्रिंग्स क्या हैं, एक्स, स्ट्रिंग एक्स इज एक्सेप्टेड बाय डीएफए एम सच दैट डेल देखिए कोई स्ट्रिंग डीएफए से कैसे एक्सेप्ट होगी, आप इनिशियल स्टेट पर वो स्ट्रिंग अप्लाई करिए एक्स और मेनी टाइम्स मूव्स ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करिए एंड फाइनली इनपुट रीड होने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो भी स्टेट आएगा वो फाइनल स्टेट है, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगे। और कलेक्शन ऑफ ऐसी सारी स्ट्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एल। तो इस एम डीएफए के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या है, एल एम। फॉर एग्जाम्पल ये डीएफए गिवन है, हम चाहते हैं लेट इफ स्ट्रिंग एक्स इक्वल्स टू ए बी बी, चेक करिए कि कैसे ये एक्सेप्ट होगी। सो डेल इनिशियल स्टेट इट इज ए एंड स्ट्रिंग एक्स इट इज ए बी बी, ए पर स्मॉल ए अप्लाई करिए, ए पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इट इज बी एंड इट इज बी बी, नाउ बी पर स्मॉल बी के साथ नेक्स्ट स्टेट बी एंड डेल्टा बी पर स्मॉल बी अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट इट इज अगेन बी, और चेक करिए क्या बी फाइनल है, इट इज बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, यस, तो ये इनपुट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, यस ए बी बी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। कि कोई इनपुट स्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट करानी है तो फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करिए, एक एक सिंबल्स को रीड कराइए और रीड इनपुट रीड होने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। If x equals to ba, अगर ये क्वेश्चन गेट में आए तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये स्ट्रिंग आप इस पर अप्लाई करिए। देखिए b अप्लाई करने के बाद आप ट्रैप स्टेट में आ रहे हैं और ट्रैप स्टेट पर स्मॉल a a अप्लाई किया आप ट्रैप स्टेट में, और ट्रैप स्टेट पे आने के बाद आप फाइनल में नहीं जा सकते हैं, तो ये इनपुट एक्सेप्ट नहीं होगा, इट इज़ रिजेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे NFA एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ NFA एंड एक्सेप्टेंस बाय NFA एंड डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।